हाय फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्टिविटी बनाया जाता है एकदम ठीक तरीके से। ठीक है, तो चलिए पहले एक रूट ले लेते हैं। हाँ, मैं एक रूट को पहले क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट रूट, क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसमें जो है करेंगे कि एक पैरेलल रन देंगे और एक जो है क्रॉसिंग होगा। ठीक है, एक इसी रूट में एक पैरेलल रन होगा और दूसरी तरफ से एक ट्रेन आएगा, क्रॉसिंग होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो मॉडल्स हैं वो डार्क नाइट प्रोडक्शन के हैं। डार्क नाइट प्रोडक्शन आपको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा डार्क नाइट प्रोडक्शन का मतलब मॉडल्स वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब ये लाइन लगा दिया हमने। ठीक है, चार लाइन बनाएंगे ताकि एकदम अच्छे से हो जाए। ये दो हो गया है, चार तीन हो रहा है। दोस्तों, मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, कैसे क्या कुछ बनाते हैं, मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा। नहीं तो मैं वैसे कट करता हूँ थोड़ा थोड़ा, पर मतलब ट्यूटोरियल में वीडियो में मैं कट नहीं करूँगा। ठीक है, बीच में थोड़ा सा ओएच वायर दे देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रहेगा हमारा। अब इधर में एक और सेक्शन बढ़ा देंगे हम लोग ताकि थोड़ा लंबा हो। ठीक है, थोड़ा लंबा रूट हो और आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म लगा देंगे दोनों साइड में, दो दो करके चार ठो। ठीक है, पहले लगा देता हूँ। दोस्तों, अब सिग्नल दे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सिग्नल फाइव यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम जो है मतलब ट्रेन को लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने वेबफोल ले लिया है, कानपुर का वेबफोल ले लिया है मैंने, इसको मैन्युअली हम चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कोचेस ऐड कर देते हैं।
ये वाला आपको चैट कर देता हूँ, ये पार्सल वैन वाला। अभी यहाँ पर दीनदयाल थोड़ा ऐड कर देता हूँ, और एक कुछ शायद ऐड हो जाएगा, नहीं हो रहा। ठीक है, इसको थोड़ा आगा दे, बढ़ा देता हूँ ट्रेंड को, अब हो जाएगा एक। ठीक है, ये इसको हम मैनुअली चलाएंगे। ठीक है, अब चलिए एक और ट्रेन बनाते हैं जिसके साथ इस ट्रेन का पैरेलली रन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सिग्नल दे देते हैं, ये स्टेशन सिग्नल डब्ल्यू एल दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक और ट्रेन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और मतलब छोटा मोटा सा ट्रेन बना देंगे जिसके साथ पैरेलली रन होगा, और उस साइड में एक और ट्रेन बनेंगे जिसके साथ क्रॉसिंग होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था आपको, एक पैरेलल रन होगा और एक क्रॉसिंग होगा। ठीक है, ये एक लोकोमोटिव सिलेक्ट कर लूँ। ये एक हावड़ा का लोकोमोटिव ले लिया हमने। ठीक है, ये सभी डार्क नाइट प्रोडक्शन के मॉडल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा कोच सेट कर देंगे। और वहाँ पर एक और ट्रेन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और ट्रेन बना देते हैं जिसके साथ क्रॉसिंग होगा। ये हमने गिटार सी का वेफो ले लिया है। यहाँ पर और एक होम सिग्नल दे दिया है हमने, ये भी डब्ल्यू एल दिखा रहा है। ये रेड दिखा रहा है ये सेकंड वाला, क्योंकि सामने ट्रेन खड़ा है इसीलिए। ठीक है, वरना नहीं दिखाता। ये हाई कैपेसिटी पार्सल वैन को लगा दिया हमने। अब जो है मेन काम शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, ट्रेन तो हमने लगा दिया, अब यहाँ से मेन काम जो है शुरू होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो है हमें ये सेकंड वाले ऊपर के सेकंड वाले ऑप्शन में जाकर ड्राइवर सेटअप में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, वेब फोर सी एन बी, वेब फोर हावड़ा, वेब फोर ईटर से सब दे दिया। अब सपोज़ आपके पास नहीं है, नहीं है तो मैंने एक डिलीट कर दिया। अब एक ड्राइवर को चूज़ कीजिए, और ये व्हीकल में से सिलेक्ट करके ये देखिए लोकोमोटिव फिर से आ गया। ठीक है, अगर आपके पास नहीं होता है तो ऐसे करके लाना पड़ता है। ठीक है, ये भी दिखा दिया मैंने। अब मतलब नेविगेट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी जो है इसको तो ये तो हम मैनुअली चलेंगे, कानपुर वाले वेब फोर को, ये हावड़ा वाले वेब फोर को नेविगेट करना पड़ेगा। इसकी मदद से ट्रैक मार्कर की मदद से। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रैक मार्कर लगा देते हैं। दोस्तों ट्रैक मार्कर का नाम दे देंगे वेब फोर। ठीक है, वेब फोर वन दे देंगे, समझने में आसानी होगा। वेब फोर वन ये मतलब हावड़ा को वेब फोर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिगर मतलब ट्रैक मार्कर दे दिया है, ट्रिगर नहीं है, ट्रैक मार्कर है। अब इसको जो इस ये लाइन में जो क्रॉसिंग होगा, वेब फोर जो क्रॉसिंग क्रॉस करेगा हम लोगों को, उसको क्या करेंगे,
उसको मतलब वहाँ पर एक और ट्रैक मार्कर लगा देंगे, ठीक है? ये थोड़ा कॉन्फर्म कर लूँ, हाँ सेकंड वाले लाइन पे ही है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड सेकंड वाले लाइन पे खड़ा है तो मैंने एक बार देख लिया। अब इसको ट्रैक मार्कर दे दे, ठीक है, यहाँ पर फिर से दे देना है आपको। ये ट्रैक मार्कर मैंने वेब 4 ETRC दे दिया, ठीक है, ये देखिए ये, तो इसको मतलब घुमा देना है, ठीक है, राउंड कर देना है। अगर ऐसा रहा तो आपको जस्ट ये वाले ऑप्शन में क्लिक करके, ये थर्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपको घुमा देना है। अब यहाँ पर एक ट्रिगर देते थे, ठीक है, ये ट्रिगर होगा वेब फोर का ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर से जब हम जाएंगे वो मतलब उधर के जो वेब 4 ETRC है उसको ऑन करेगा, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको पहले ऐड में जाके ट्रिगर्ड रूल को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिगर्ड रूल। तो आपको फिर मतलब ड्राइवर कमांड में जाके एक और ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा जो कि है मतलब वेट फॉर ट्रिगर, ठीक है, ये वेट फॉर ट्रिगर में टिक कर दिया। और दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैंने तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था, ये हम मतलब क्रॉसिंग के वेब 4 के लिए नहीं, पैरेलल रन के वेब 4 के लिए, मतलब जो वेब 4 हावड़ा है ना उसको हम ट्रिगर से ऑन करेंगे। देखिए वेट फॉर ट्रिगर में क्लिक किया, ट्रिगर वेब 4 में क्लिक किया और एनी ट्रेन कर दीजिए, ठीक है, एनी ट्रेन में क्लिक करके अब इसको नेविगेट टू ट्रैक मार्क कीजिए और याद है आपको वेब 4 1 में कर दीजिए, ठीक है, वेब 4 1 में हो गया। अब ये वेब 4 ETRC का वेब 4 ETRC में कर दीजिए नेविगेट टू ट्रैक मार्क करके, ठीक है। देखिए और कुछ नहीं करना है आपको, बस हो गया है, हाँ। और ये तो CNV वेब 4 तो हम मैनुअली चलाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा जिस ट्रेन को आप मैनुअली चलाना है उसको सबसे पहले प्लेस कीजिएगा, मतलब उसको सबसे पहले डालिएगा गेम में, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये देखिए हमारा ट्रेन नहीं है, हम अपने ट्रेन में चले जाएंगे, ड्राइवर में क्लिक करेंगे, हमारा ट्रेन नहीं है, ये वेब 4 हमारा, क्योंकि मैंने आपको समझा इसीलिए मेरा ट्रेन नीचे चल रहा है, मैंने ड्राइवर को डिलीट कर दिया था इसीलिए। अब इसको ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे हम इसको, ये देखिए चालू हो गया और वहाँ पर वो जो वेब 4 है वो भी चालू हो गया है, ठीक है, ETRC वाला, और ये हावड़ा वाला भी खड़ा है। जैसे ही हम ट्रिगर के ऊपर से जाएंगे ये भी चालू हो जाएगा और अपने वो ट्रैक मार्कर तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब समझिए आप कैसे हो रहा है, देखिए शायद ऑन हो गया है, चलना शायद शुरू कर दिया इसने, धीरे धीरे चल रहा है अभी, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि हमारे ट्रेन को भी स्लो करेंगे तो भी आपको समझ गए, ये देखिए चल रहा है धीरे धीरे, समझ पर बढ़ रही है, देखिए पेंटोग्राफी ऊपर लाइटिंग चल रहा है, चल रहा है धीरे धीरे स्पीड लेगा। और ये देखिए यहाँ ये वेब 4 ETRC भी आ गया, ठीक है, एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सब कुछ सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इन दोनों की वजह से हो जाएगा। और ये वेब 4 आगे निकल गया, और कुछ नहीं करना होगा आपको, ये बस ट्रिगर और ट्रैक मार्किंग की मदद से आप बहुत लंबे लंबे एक्टिविटी भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस यही करना है। अगर लॉन्ग रूट में करना है तो और ज़्यादा ट्रेन बढ़ेगा और आपको ट्रिगर का यूज़ ज़्यादा करना है, ट्रैक मार्क का यूज़ ज़्यादा करना है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जो कि गेम प्ले होने वाला है हावड़ा पुरुलिया सुपर फास्ट एक्सप्रेस का मेरे रूट में जो कि वेस्ट बंगाल 2023 उसमें गेम प्ले होने वाला है, ठीक है, तो उसे ज़रूर दिखिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तक लिए बाय, स्टे सेफ।